यूं तो ईश्वर के चमत्कार को लेकर अक्सर किस्से सामने आते रहते हैं, लेकिन चमत्कार भरी खबर राजधानी दिल्ली के वजीराबाद प्राचीन शिव मंदिर की है, जहां एक भक्त दोपहर में भगवान शिव की पूजा कर रहा था। शिव के पास बैठे नंदी को भक्त ने दूध और पानी पिलाया तो नंदी भगवान ने दूध और पानी पी लिया। इस चमत्कार को देखकर भक्त हैरान हो गया और यह खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। भक्तों की मंदिर में भीड़ इकट्ठा होने लगी। सभी नंदी को दूध पिलाते नजर आए और नंदी बाबा दूध भी पी रहे थे। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि 10 साल से इस मंदिर की देखरेख कर रहे हैं, लेकिन यह चमत्कार पहली बार हुआ है। इस चमत्कार के चलते मंदिर में पूजा अर्चना और कीर्तन चलते रहे। सभी भक्त भगवान नंदी को दूध पिलाते नजर आए। अब इसे चमत्कार कहेंगे या फिर भक्तों की आराधना? ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, दिल्ली। आज ये जो चमत्कार हुआ है, भगवान शंकर के प्राचीन शिव मंदिर वजीराबाद गली नंबर 3, जिसमें मैं 9 साल से पुजारी के पद पर कार्यरत हूँ, इस मंदिर की सेवा कर रहा हूँ, ये चमत्कार पहली बार मैंने इस मंदिर में देखा। उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान शंकर, जो देवों के देव महादेव कहे जाते हैं, उनके सवार करने वाले नंदी महाराज ने आज इस मंदिर में दुग्धपान किया। हमारे पहले भक्त जो इस मंदिर में काफ़ी दिनों से आते हैं, दिलीप जी, जिन्होंने चमत्कार देखा। फिर एक हमारी एक नंबर गली से एक मैया आई, उन्होंने भी ये चमत्कार देखा। फिर हमें 3 नंबर से किसी का फ़ोन गया कि पंडित जी आप कहाँ हैं, तो हम बगला मुखी में गायत्री का जप हम 7 ब्राह्मण कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आज ये घटना घटी है, आपसे कुछ वर्षों पहले भी इस तरीके की घटना घटी थी, क्या कहेंगे इस घटना के लिए? अब ये तो सब पहले घटना यहाँ गणेश जी के रूप में हो चुकी है, तो वो भी चमत्कार था प्रभु का। और ये चमत्कार जो आज हुआ तो ये उन लोगों के लिए हैं जो हमारे धर्म का खंडन करते हैं, हमारे मूर्तियों का खंडन करते हैं, हमारे साधु संतों का खंडन करते हैं, उनके लिए ये चेतावनी कहें या उन्हें तमाचा कहें, नास्तिक को आस्तिक बनाने का ये हमारे दैविक शक्तियों ने अपना चमत्कार दिखाया। कहते हैं कि शिव अनंत हैं, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब ना वही शीशा। भगवान जी कहते हैं कि जो पत्थर की मूर्ति है वो कहीं ना कहीं पानी सोखती है, जैसी गर्मी आ जी जी जी, तो क्या लगता है कि ये वाकई में चमत्कार है या गर्मी की वजह से ये चूंकि यहाँ पे जल इतना चढ़ता है सुबह से शाम तक कि यहाँ पानी की तो कोई कमी रह नहीं सकती, और बहुत दिन से शिवलिंग है और ये पूरा पत्थर भी बैठ रहा है, यहाँ सीलपन पहले से मौजूद है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक चमत्कार है, एक के द्वारा ना हो 10 के द्वारा, यहाँ अभी तक कम से कम 500 आदमी शिव पर यहाँ दूध पिला चुका है भगवान नंदी को। करीब यहाँ पर 2-2.5 बजे तक मैं यहाँ पर था, तो मैंने एक विचित्र घटना देखी कि हमारे नंदी जी महाराज दूध का जो है स्मरण कर रहे हैं, और देखते ही देखते मेरे जानने के बाद में एक लेडीज़ और आई थी, उन्होंने भी ऐसा सुन के, कई दूसरे मंदिर से सुन के आई थी, तो उन्होंने भी जैसे यहाँ पर देखाया, चम्मच लगाया गणेश जी के, तो इस तरह से मुंह के ऊपर चम्मच लगा रहे हैं और वो सिप कर रहे हैं, तो मेरे को बड़ा अद्भुत लगा और ये क्या विचित्र घटना है। यहाँ पे पहले कोई नहीं था, हमारी पड़ोसन थी, वो अपनी बेटी को लेके आई थी, वो मतलब जल चढ़ा रही थी, तो पहले उसने जल चढ़ाया तो उसने ऐसे मुख से लगाया तो उसका लोटा खाली हो गया, फिर उसने दूध चढ़ाया फिर लोटा खाली हो गया, फिर दूसरी उनको फ़ोन करके बुलाया कि भगवान नीचे बिल्कुल नहीं गिरा, भगवान पी रहे हैं, फिर वो आई, उन्होंने पिलाया, फिर उन्होंने मुझे फोन। आपको कैसा लग रहा है वजीराबाद के अंदर इस मंदिर में इस तरीके की घटना हुई, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, इस मंदिर में कई बारी घटना हुई है और कई बारी चमत्कार देखे गए हैं। यहाँ पे पहले बहुत कच्चा था, छोटा सा ऐसे शिवलिंग बना हुआ था, वहाँ साइड में बना हुआ था, ये मंदिर नहीं था, तो पहले गणेश स्थापना हुई थी मंदिर में, पहले गणेश जी पैदा हुए थे, उन गणेश जी को यहाँ लाया गया था, यहाँ पे वो गणेश जी को मतलब स्थापना की गई थी, वो छोटा सा मंदिर बना हुआ था, मतलब मंदिर क्या, ऐसी मूर्ति छोटी छोटी ला कर हम रोज पूजा करने आया करते थे, तो नाग नागिन का जोड़ा भी दोनों वहाँ पे शिवलिंग पे दिखाई देते थे। ये चमत्कार मिला है भोलेनाथ की कृपा से, ये नंदी महाराज दूध पी रहे हैं, ये बहुत बड़ा चमत्कार है भगवान का।
तो पहले भी कभी देखा आपने जैसे कि अभी इन्होंने बताया? हाँ जी हाँ जी, देखा तो नहीं था पर सुना है हमने। कब से आ रही हैं आप इस मंदिर? इस मंदिर में 10 साल हो गए, मेरे पंडित जी पुजारी हैं ना इधर। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।